नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आप हवाई जहाज से यात्रा करते समय जमीन से 37,000 फीट ऊपर हो और आपको हल्के होने की जरूरत पड़ी तो जरूर हल्के हो लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हवाई जहाज में टॉयलेट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको जमीन पर गंदगी फैलने का डर होता है, या फिर आप समझते हैं कि जमीन की खास ऊंचाई पर जाने वाली हल्की चीजें जमीन पर नहीं आती जिसकी वजह से आप आसमान में हल्के होने से कतराते हो। जी हाँ, ऐसा ही है। एक स्टोरी के मुताबिक काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर वो हवाई जहाज में मल मूत्र त्याग रहे हों तो वो आसमान में फैल रहा है या फिर जमीन पर बिखर रहा है, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि आप जिस जहाज में उड़ रहे होते हैं उस जहाज में भारी सा 200 गैलन का टैंक लगा होता है जिसमें मल मूत्र जमा होते रहते हैं। यूं तो पिछले 30 सालों से ही हवाई जहाजों में वैक्यूम टॉयलेट होता है जो पानी को छानकर एक ओर भेज देता है और ठोस मल को एक तरफ। यह ठोस मल जहाज में नीचे की तरफ लगे 200 लीटर के टैंक में मिल जाता है। यह 200 लीटर का टैंक हर उड़ान के बाद एयरपोर्ट पर खुलता है जिसे खाली किया जाता है। अगर अब आप यह सोच रहे हैं कि वो टैंक कैसे खुलेगा, तो वो टैंक बाहर की तरफ खुलता है जो पूरी तरह से मानवीय तरीकों से खुलता है। तो अगली बार जब भी हवाई जहाज में यात्रा करनी हो तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जहाँ जाना है जाइए और अपने सफर को एंजॉय कीजिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।